के इस वीडियो में मैं मैंगो की 5 बेहतरीन वैरायटी के बारे में चर्चा करूंगा। और जो लोग बिगिनर्स हैं यानी कि गार्डनिंग में अभी नए नए हैं और चाहते हैं कि रूफ टॉप गार्डन में मैंगो की बेहतरीन से बेहतरीन वैरायटी वो लगाएं और प्रचुर मात्रा में फल प्राप्त करें, तो 5 बेहतरीन वैरायटी आपको मैं आज रिकमेंड करने वाला हूं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं हूं जय प्रकाश और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल जय होम गार्डनिंग। आज के इस वीडियो में मैंगो की 5 टॉप वैरायटी के बारे में आपको जानकारी दूंगा, साथ में वो प्लांट भी दिखाऊंगा जिससे कि आप भी पौधे की पहचान कर पाए। चैनल पर जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि गार्डनिंग संबंधी में जो भी वीडियो चैनल पर अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टाइम से पहुंच सके। तो बिना देरी करते हुए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। आज के इस वीडियो में मैंगो की 5 बेहतरीन वैरायटी के बारे में आपको जानकारी दूंगा जिनको कि आप रूफ टॉप गार्डन पर आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बहुत लोगों की चाहत होती है कि आम का पौधा गमले में उगाकर आम प्राप्त किया जाए, लेकिन वैरायटी का ज्ञान ना होने के अभाव में वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं मैंगो की 5 ऐसी वैरायटी बताऊंगा जो कि ड्रॉप वैरायटी हैं यानी कि बौनी प्रजाति हैं जिनको कि आप गमले में अपने छत के ऊपर लगाकर आसानी से फल प्राप्त कर सकते हैं। इसमें से 2 बारहमासी की वैरायटी हैं और 3 एक वर्षीय वैरायटी है, यानी कि साल में एक बार फ्रूट आता है, लेकिन ये सब ड्रॉप वैरायटी हैं और ड्रॉप वैरायटी का ही प्लांटेशन गमलों में करना चाहिए और उनसे आप प्रचुर मात्रा में फ्रूट प्राप्त कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी दूंगा, प्लीज वीडियो में बने रहें। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं मैंगो की 5 वैरायटी आप लोगों को बताऊंगा जो कि गमले में आप लगा सकते हैं अपने रूफ टॉप गार्डन पे, तो जो 5वें नंबर वैरायटी है वो है बारी 11 की। आपके सामने ये प्लांट देखिए बारी 11 का है और ये ऑल टाइम की वैरायटी है और साल में 2 से 3 बार इसमें मैंगो लग जाता है जब ये प्लांट पुराना होता है। जरा दिखा दीजिए, यहाँ पर मैंगो लगे हुए हैं और ये प्लांट करीब 2.5 वर्ष का है, देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। टीएसएस की अगर मैं बात करूं तो ये ज्यादा मीठा नहीं है, 16 टीएसएस है, रेशेदार इसका फ्रूट होता है, लेकिन प्रचुर मात्रा में ये फल पकड़ता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि गुच्छों में देखिए फल लग रहे हैं, बहुत बढ़िया वैरायटी है बारी 11 ऑल टाइम मैंगो, ये देख सकते हैं। तो जिन लोगों को कम मीठे और पूरे साल भर आम चाहिए यानी कि ये सर्दी में भी आम चाहिए गर्मियों में भी आम चाहिए, तो ये वैरायटी उनके लिए खास है। बारी 11 का जो मैंगो प्लांट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 5वें नंबर पर है, तो 5वें नंबर पर जो वैरायटी है वो बारी 11 की है। अब फ्रेंड मैं आपको जो वैरायटी दिखा रहा हूँ वो बहुत ही खास है और इस वैरायटी का नाम है थाई ऑल टाइम कॉटिमोन मैंगो। ये 12 मासी की वैरायटी है और साल में इसमें भी 2 से 3 बार मैंगो लगता है। अब छत पर गार्डनिंग करनी है यानी छत पर गमले में आम का पौधा लगाना है तो जाहिर सी बात है कि 12 मासी आम अच्छा ही रहता है। तो पहले थाई ऑल टाइम का चलन चल रहा था लेकिन वो थाई ऑल टाइम का चलन अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। वो भी प्लांट मेरे पास है, आप देख सकते हैं ये थाई ऑल टाइम का है और इसमें 1 महीने बाद मोजर आएगा। इसमें भी साल में 2 से 3 बार मैंगो लगते हैं लेकिन ये खट्टा मीठा होता है और अचार के लिए समझ लीजिए ठीक है, लेकिन ये भी मैंगो ठीक है। लेकिन जो मैं वैरायटी आपको दिखा रहा हूँ ये देख सकते हैं फ्रूट पकड़े हुए है थाई ऑल टाइम कॉटिमोन मैंगो और मेरे पास 2 से 3 प्लांट हैं। मैं अभी सारे प्लांट आपको दिखाता हूं और ये देख सकते हैं मिट्टी के गमले में लगा हुआ है और इस प्लांट की अगर उम्र की बात करूं तो 2 साल की है। फ्रूट का जो साइज होता है 250 से 300 ग्राम होता है, सीड बिल्कुल पतला होता है और खाने में काफी मीठा होता है। 27 इसका टीएसएस है। सेल्फ लाइफ की बात करूं तो 12 दिन तक ये फ्रूट खराब नहीं होता, इसीलिए ये जो प्लांट है कॉटिमोन मैंगो का काफी एक अलग पहचान रखता है और ट्रेंडिंग वैरायटी है और ज्यादातर लोग इसका प्लांटेशन जमीन पर और गमले पर धड़ल्ले से कर रहे हैं। कारण क्या है देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ देखिए फ्रूट बन चुका है और एक तरफ यहाँ पर देखिए ध्यान से मोजर आना स्टार्ट हो रहा है। यहाँ देखिए मोजर आ रहा है और यहाँ पर देखिए इस टाइप का फ्लावर निकल के छोटे छोटे फूल बन रहे हैं और यहाँ पर देखिए छोटी छोटी अम्मियां बन रही हैं और यहाँ पर भी देखिए फ्लावर है। इस प्लांट में कुछ ऐसा सिस्टम चलता है जैसे कि यहाँ पर देखिए अम्मियां बन चुकी है और यहाँ पर देखिए छोटे छोटे फ्रूट बन रहे हैं और देखिए नई नई कोपले आ रही हैं और यहाँ पर भी मोजर आ रहा है। तो यानी कि इसमें जो है एक सर्किल चलता रहता है, छोटे फल बड़े फल इस टाइप का ये प्लांट है और बहुत ही बेहतरीन वैरायटी है कॉटिमोन मैंगो की। इसका प्लांटेशन आपको अपने यहाँ गमले में या फिर जमीन आपके पास है जमीन में
करना चाहिए अगर आप पूरे साल भर आम का मजा लेना चाहते हैं। तो चौथे नंबर पर जो वैरायटी है वो है ऑल टाइम कॉटीमोन। तीसरे नंबर पर जो वैरायटी आप लोगों को मैं रेकमेंड कर रहा हूं वो है बनाना मैंगो, जो कि आपके सामने ये प्लांट है, दिखा दीजिए बनाना मैंगो का प्लांट। बहुत ही बेहतरीन वैरायटी है बनाना मैंगो की, और ये एक थाई वैरायटी है और केले की तरह इसका फ्रूट होता है, इसीलिए इसे बनाना मैंगो कहा जाता है। और बहुत ही खास ये वैरायटी है क्योंकि इसमें फीमेल फ्लावरों की संख्या ज़्यादा होती है। बहुत बढ़िया वैरायटी है। और मिठास की बात करूं तो मिठास जो है इसकी करीब 18 TSS है, और सेल्फ लाइफ की बात करूं तो सेल्फ लाइफ भी ठीक ठाक है और काफ़ी दिनों तक ये फल रखा जा सकता है, यानी 8 से 10 दिन तक ये भी चल जाता है। और केले की तरह बनावट होती है इसलिए थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। और इसका मेरे पास और प्लांट भी है, यहाँ देखिए ये बनाना मैंगो का प्लांट है, देख सकते हैं कितना बढ़िया है। और यहाँ देखिए छोटे छोटे फ्रूट आपको दिखाई देंगे बनाना मैंगो के, और बहुत ही बेहतरीन वैरायटी, और ये भी ट्रेंडिंग वैरायटी है बनाना मैंगो। रूफ टॉप गार्डन के लिए बेस्ट प्लांट है बनाना मैंगो, और सीड इसका पतला होता है, खाने में मीठा और टेस्टी है। और एक मैंगो और आता है, अगर आप चाहें तो महाचनक मैंगो भी इसकी जगह लगा सकते हैं। बनाना रेड व्हाइट ग्रीन मैं नहीं मानता हूँ, बनाना मैंगो ही होता है। अब मैं दूसरे नंबर पर जो प्लांट आप लोगों को रेकमेंड कर रहा हूँ वो है वर्ल्ड फेमस जापानी मियाजाकी प्लांट। मियाजाकी मैंगो अपने आप में एक यूनिक प्लांट है, और उसका जो फ्रूट का कलर होता है उसका कोई भी मैंगो टक्कर नहीं दे पाता। मियाजाकी मैंगो का जो कलर है वो बहुत ही गजब का होता है, आप देख सकते हैं शुरुआत से ही मियाजाकी मैंगो का फ्रूट जो होता है, यहाँ जरा पास से दिखा दीजिए, ये लाल होता है, ये देख लीजिए। और जापान में पॉली हाउस में इसकी मैंने खेती देखी है, जैसा कि वीडियो सभी लोग देखते हैं वहाँ बड़े बड़े पॉली हाउस में इसकी खेती होती है, और बताते हैं बहुत महंगा बिकता है जापान में। ये वही प्लांट है, और शुरुआत से ही इसके जो फ्रूट होते हैं वो लाल कलर के हो जाते हैं, जापानी मियाजाकी मैंगो। अब मियाजाकी मैंगो की खासियत क्या है, ये भी बनाना मैंगो की तरह है, फीमेल फ्लावरों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, प्रचुर मात्रा में फ्रूट पकड़ता है। फ्रूट आपको काटने पड़ेंगे, सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा फ्रूट रखें कौन सा फ्रूट ना रखें, इतनी बेहतरीन वैरायटी है ये मियाजाकी की। अब यहाँ के क्लाइमेट की बात करूं, बहुत सारे मेरे फ्रेंड ने इसको जमीन पे भी लगाया है, और कई प्लांट लोगों ने गमले में भी लगाया है, फ्रूट टेस्ट करके बताया है, और उन्होंने कहा है कि मियाजाकी जो मैंगो का जो फल है जापान से ज्यादा मीठा यहाँ के क्लाइमेट में होता है। अभी तक तो मैंने इसका फ्रूट नहीं खाया तो मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं जहां तक जानता हूं कि ये भी 16 TSS का मैंगो होता है मियाजाकी मैंगो। तो अभी मेरे यहाँ फ्रूट तो अभी हुआ नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा कि एक फ्रूट लेके आप लोगों को दिखाऊं कि मियाजाकी मैंगो का जो फ्रूट है कितना मीठा है, और बहुत ही स्वादिष्ट मैंगो की श्रेणी में कह सकता हूं ये होता है। ठीक ठाक मैंगो है, कलरफुल मैंगो है, इसे आप गमले में जमीन पर जरूर से जरूर लगाएं, मियाजाकी मैंगो। यहाँ देखिए कितने बढ़िया बढ़िया देखिए फ्रूट की सेटिंग हो गई है, और फ्रूट बढ़िया पकड़ता है ये मियाजाकी मैंगो। तो दूसरे नंबर पर जो वैरायटी है वो है मियाजाकी मैंगो, प्लांटेशन कर लीजिए। पहले पौधा बहुत महंगा मिलता था 8-10 हज़ार रुपए का, आजकल 400-500 में मियाजाकी का पौधा आसानी से लोकल नर्सरी में या ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। तो मैं नंबर वन वैरायटी की बात कर रहा हूँ रूफ टॉप गार्डन के लिए, वो है अरुणिका मैंगो। लखनऊ CISH ने इसे विकसित किया आम्रपाली और वनराज के क्रॉस से, ये देख सकते हैं आम की हाइब्रिड किस्म सामने आपके है, और ये देखिए फ्रूट कितना बढ़िया पकड़ता है ये वैरायटी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही प्लांट में है, ये देख सकते हैं दूसरा प्लांट अरुणिका मैंगो का दिखा दीजिए फ्रूट कितना पकड़ा हुआ है, हर डाली पर फ्रूट की सेटिंग बेहतरीन होती है। थाई वैरायटी कभी कभी धोखा दे जाती है, लेकिन ये यहीं के क्लाइमेट में तैयार किया हुआ प्लांट है, अपने इंडिया का प्लांट है, इसीलिए मैं इस प्लांट को रेकमेंड कर रहा हूँ। जांचा परखा वैरायटी है अरुणिका मैंगो। TSS की बात करूं तो जो है वो है 24, यानी 24 इसका TSS है, काफी मीठा है। सेल्फ लाइफ की बात करूं तो 12 से 13 दिन तक ये फ्रूट खराब नहीं होता। एक्सपोर्ट वैरायटी है, और पर पीस के हिसाब से बिकने वाला ये आम है, किलो के भाव में मैंने इसे बिकते हुए नहीं देखा, और पर पीस में बिकता है, एक्सपोर्ट वैरायटी है, बहुत ही बढ़िया है, और ड्रॉप वैरायटी है, सबसे ज्यादा ड्रॉप वैरायटी का प्लांट अगर इंडिया में कोई है तो वो है अरुणिका मैंगो, जो कि मैं आप लोगों को दिखाता रहता हूं और आप लोगों को रेकमेंड करता हूं। लखनऊ CISH ने इसे विकसित किया कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद, ये देख सकते हैं बहुत बढ़िया वैरायटी है। यहाँ पर देखिए मैंने मोजर को काट दिया है, दिखा दीजिए यहाँ पर काट दिया, यहाँ काट दिया, कुछ एक दो फ्रूट मैं लेके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। हालांकि अदर ऑप्शन आपके पास है,
भास्त्रा मैंगो आपके सामने है, लेकिन वो उतना बढ़िया नहीं है जितना कि ये मैंगो वैरायटी है। भास्त्रा मैंगो आपके सामने है, लेकिन जितनी बढ़िया ये वैरायटी है अरुणिका, इसका कोई टक्कर नहीं। अरुणिका और अंबिका दोनों सेम है, लेकिन अरुणिका मीठा ज्यादा होता है और अंबिका उतना मीठा नहीं होता। तो दोनों वैरायटी खास है, लेकिन जो नंबर वन गमले के लिए मैं बता दिया आप लोगों को, अरुणिका मैंगो, इसका प्लांटेशन जरूर से जरूर करें। इस वीडियो में रूफ टॉप गार्डन के लिए 5 बेहतरीन वैरायटी के बारे में आप लोगों को जानकारी दी। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे भाइयों तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं नए टॉपिक से नए वीडियो में। सभी दोस्तों का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।